नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरठ चल रहे हैं। मम्मी जी को थोड़ा मेरठ काम है और हम जो है श्री माता जी के सेंटर पे थोड़ी पूजा है, संडे के दिन होती है वहाँ, तो वहाँ चल रहे हैं। बाकी अभी नए इसका कवर उतार कर फेंक दिया था और इसमें तोड़ फोड़ थी कर दी थी, क्योंकि वो चाहता है कि ये स्टार्ट हो रही है चले यार, मैं इस पर बैठ के घूमूँ। तो दोस्तों बच्चों में खेल ज़्यादा रहता है, बुज़ुर्गों में भी खेल ज़्यादा रहता है, तो चल रहे हैं फटाफट। तो दोस्तों ये है, इन मुच्छों में ये दिक्कत है, अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन हाथ गंदे हों साफ हों कैसे भी हों तो इन पर हाथ रहते ही हैं। ऐसे ऐसे ये हो जाता है सिस्टम, तो इसलिए फिर घर में जो भी देखता है वो टोकता है, अच्छा लगवा तेरे मुच्छों पैंटे, बहुत बहुत आया कहीं का चौधरी चल के। तो ये है, तो मूछ तो रखते हैं घर में, लेकिन कोई भी छल्लेदार मूछ नहीं रखता। दोस्तों चल रहे हैं, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओह ये तो मुझे लगा अभी ने सवेरी सवेरी अटैक कर दिया इसमें सवेरी सवेरी। और दोस्तों जिस दिन से वो प्लग डला था उस दिन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, गाड़ी कहीं भी घूमती फिरे जाए कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह से। तो घर वाले भी इस बात का ताज्जुब मान रहे हैं कि कहाँ 7,500 दो बार और कहाँ ये 80 रुपये का पलक। तो दोस्तों यही है कि सोचने की बात कि ये जो एजेंसियाँ चल रही हैं ये सर्विस स्टेशनों की वजह से चल रही हैं, कि सर्विस स्टेशन जो है कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल, किराया बिल्डिंग का निकाल देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया जाता है गाड़ी, क्योंकि खर्चे वाहन लेने के बाद। आज के टाइम में भी हमारे यहाँ कई किसान ऐसे हैं जिनके पास में बैल बुग्गी झोटा बुग्गी है, और वो जो है बहुत ही जो उनकी कमाई है, गाड़ी कमाई है मेहनत की, उसे वो ब्याज पर चला के चाहे कैसे भी करके वो ज़मीनें खरीद रहे हैं हर तीसरे साल में। इतनी महंगाई में भी ज़मीनें खरीद रहे हैं, गाँव के अंदर भी खरीद रहे हैं और गाँव के बाहर भी खरीद रहे हैं खेतों की ज़मीन। तो दोस्तों वो इसीलिए खरीद रहे हैं कि अमाउंट उनके पास में अच्छा आता है और वो फिजूल खर्ची है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कोई किसी का टोल टैक्स वाहन टैक्स वो नहीं दे रहे बिल्कुल, पेट्रोल डीजल फूंकते नहीं बिल्कुल किसी भी तरह, लोकल का काम साइकिल से कर लेते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो दोस्तों हमने ये देखा है कि जीवन में जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा, साइंस का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ भी बढ़ती हैं, लेकिन लोग इसे अपने स्टैंडर्ड से जोड़ के फिर जो है कहते हैं कि इसके बिना हम पे जिया नहीं जाएगा। लेकिन वही है मान सम्मान स्टैंडर्ड, ये जो बातें हैं ये सब खर्चे की हैं, खर्चे से थम्मा थमता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों उसने सारी चीजों को छेड़ा हुआ है, तो ये है देखते हैं इसमें कितना तेल है। इसमें 544 किलोमीटर का डीजल है, लेकिन दोस्तों मैंने ये चला के देखा है ये करीब 70% ही चल पाती है गाड़ी इसमें, अगर मतलब 100 किलोमीटर का दिखा रहा है तो 70 किलोमीटर से पहले पहले 100 किलोमीटर वे खत्म हो जाएंगे, ये मीटर झूठ बोलता है। दोस्तों अब यहाँ से मम्मी सामने मेरठ की तरफ चली गई है और हमें इसके नीचे से साइड से ऊपर जाना है, तो पीछे मोदीपुरम रह गया है, सामने बीकानेर है। अब चले चलते हैं फटाफट गाड़ी घुमाते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ आ गए हैं आज, ये यहाँ कैंट एरिया है, चलेंगे। दोस्तों अब यहाँ से चल दिए हैं फाइनली, पीछे गाड़ियाँ चलने लगी हैं, सब चलने लगे हैं। तो आज बड़ी पूजा थी, गणेश जी की पूजा थी, तो आज टाइम ज़्यादा लगा। चलते हैं घर, मम्मी जी तो चली गई हैं क्योंकि हमने यहाँ फ़ोन साइलेंट कर रखे थे और फिर वो सब मिला मिला के थक गए थे। अब फिर बबलू मम्मी उतरेंगी सिवाया, तो बबलू भाई लेने आएंगे रोड पे, उनका भी गुस्सा जायज है। दोस्तों देखे घर वाले हैं और काफ़ी वहाँ बैठना पड़ा, पैर अकड़ गए थे, तो मम्मी हमारे से पहले ही आ गई हैं। मम्मी का मूड ख़राब है,
घर वालों का भी मूड ख़राब है क्योंकि इन्हें अपने फ़ोन छोड़ गए दोपहर में, अम्मा को लाना पड़ा मोटरसाइकिल से। तो दोस्तों यही है कि सोचने की बात। ओ माय गॉड, घर में गुस्सा शोर गुल्ला टेंग टांग। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद जुड़े हुए। हमें शौक थोड़ी लग रहा था फोन न उठाने का, जब साइलेंट हो रहा था तो हो रहा था। दोस्तों अभी खाना खा के ही निपटे हैं और ये देखा कितना भयंकर तूफान आ गया है, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। ऐसा तूफान बहुत दिनों बाद देखने में मिला है और आज ट्यूबवेलें चल रही हैं सभी किसानों की, सबके मैडे फिरेंगे ये देखें। ओ हो पंछी चूलिया चूलिया तूफान। और दोस्तों आसमान में इतनी चिड़िया और कबूतर इतने परेशान थे बहुत देर से, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, आज जो है इतना धूल का गुब्बार है दिख नहीं रहा है कुछ भी। टिंग टांग अंशु की आंखों में मिट्टी भर गई। ओ माय गॉड कितना तगड़ा तूफान। पिंग पांग, अरे मेरी तो यहीं गिर गई, मुझे तो वो बांधनी पड़ेगी फिर।